सर आज फिर से बेल रिजेक्ट हुई है, चौथी बार ये ऐसा है और अब हाई कोर्ट में जाने वाली है। सर आप क्या कहना चाहोगे उस पर? देखिए, सुनीता को इंसाफ दिलाने के लिए हमें जहाँ तक जाना होगा हम लोग जाएंगे, हाई कोर्ट क्या सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। वी जस्ट वांट जस्टिस फॉर तुनिशा। तुनिशा के केस में काफ़ी सारी बातें हुई, सबसे बड़ी बात अली का जिक्र हुआ था कोर्ट में, उसको लेके आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अली के स्टेटमेंट्स ले लिए हैं, ऑलरेडी क्लियर हो गया है कि अली तुनिशा का सिर्फ एक दोस्त था, इसके अलावा कुछ नहीं था, जिससे वो दिसंबर में 2 या 3 बार मिली थी। इसके अलावा लास्ट 15 मिनट में कुछ वीडियो कॉल की बातचीत हुई थी, अगर आप कुछ बताना चाहोगे कि लास्ट 15 मिनट में क्या अली से बातचीत, केक शॉप पे भी गए थे वो लोग? मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के पास वो पूरी डिटेल्स हैं कि लास्ट 15 मिनट में किससे बात हुई, फिर किससे बात हुई, फिर अगले 45 मिनट तक सिर्फ शीजान तुनिशा के साथ था, तो वो कोर्ट में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने क्लियर कर दिया है, तो अली का नाम यहाँ जोड़ने का कुछ रह ही नहीं जाता। शीजान के गूगल अकाउंट का पासवर्ड वो भूल चुके हैं, उसको लेके आप क्या कहना चाहोगे, क्या लगता है आपको, कितनी सच्चाई है उस पर? पहले दिन से लेके आज तक शीजान बार बार अपने बयान बदलता रहा है, कभी वो पासवर्ड भूल जाता है, कभी उसको ब्रेकअप की कोई दूसरी वजह बताता है, कभी श्रद्धा आफ्ताब का नाम बीच में लेता है, कभी एज का कुछ बताता है, तो इन्वेस्टिगेशन तो कोर्ट ने भी इन्हीं सब ग्राउंड्स को देखते हुए बेल रिजेक्ट किए कि वो बाहर आकर गवाहों को मैनिपुलेट कर सकता है, एविडेंस को मिटा सकता है, इसीलिए बेल रिजेक्ट किया।